Hello students, in today's lecture we will discuss about that histology of spinal cord. तो आज के लेक्चर में हम हिस्टोलॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में. तो स्टूडेंट्स, हमने CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या देखा? हमने देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो स्ट्रक्चर आते हैं, एक तो था ब्रेन और दूसरा जो स्ट्रक्चर था वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड. तो ये हमने अपने अभी तक के लेक्चर्स में देखा है. ब्रेन के बारे में बात करें तो ब्रेन में हमने ये देखा था कि ब्रेन का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो एक तरह से चोकोबार की तरह होता है, चोकोबार आइसक्रीम की तरह होता है. उसमें आउटर साइड में ग्रे मैटर होता है और अंदर की साइड में व्हाइट मैटर होता है, एक्सेप्ट द लास्ट एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द ब्रेन, दैट इज मेडुला ओब्लॉन्गाटा. द ब्रेन का जो पोर्शन है कौन सा, मेडुला ओब्लॉन्गाटा को छोड़ दीजिए, क्योंकि मेडुला ओब्लॉन्गाटा में आउट साइड में व्हाइट मैटर होता है और इनर साइड में ग्रे मैटर होता है. ठीक है, स्कल में एक ओपनिंग है. स्कल में जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं कौन सा, इसे हम बोलते हैं फॉरमेन मैग्नम. अब इस फॉरमेन मैग्नम में से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पोर्शन नीचे की साइड में आया है उस पोर्शन को हमने क्या बोला, इस पोर्शन को हमने बोला स्पाइनल कॉर्ड. तो इस पोर्शन को हम किस नाम से जानते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं. अब स्पाइनल कॉर्ड का भी कॉन्फ़िगरेशन ब्रेन की तरह ही होता है. कैसा कॉन्फ़िगरेशन, आप जरा इसमें देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड में भी, स्पाइनल कॉर्ड कहां होगा पहले तो बताइए, ब्रेन कहां था, ब्रेन हमारे क्रेनियम के अंदर था. देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन, इसे हम बोलेंगे स्कल. अब स्कल का वो पोर्शन जो कि ब्रेन का कवरिंग ड्रॉ करता है, ब्रेन का कवरिंग बनाता है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं क्रेनियम के नाम से जानते हैं. ठीक है, अब क्रेनियम और ब्रेन के बीच में हमने क्या देखा था, क्रेनियम और ब्रेन के बीच हमने देखा था कि कनेक्टिव टिश्यू के मेम्ब्रेन्स होती हैं और ये तीन मेम्ब्रेन्स होती हैं और इन्हें हम मेनिंजेस के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो इसी तरह का स्पाइनल कॉर्ड भी हमारा कहां है, स्पाइनल कॉर्ड भी हमारा वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट है. ठीक है, और इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोडक्शन के लिए भी मेनिंजेस प्रेजेंट है. ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, यहां पर भी हमको मेनिंजेस दिखाई देंगे. ठीक है ना, यहां पर भी आपको मेनिंजेस दिखाई देंगे. मैनेजर्स में भी मैं ब्रीफ में मेंशन कर रहा हूं. सबसे बाहर का ब्रेन में आपने कौन सा देखा था, ड्यूरा मैटर. तो यहां पे भी सबसे आउटर साइड में आपको कौन सा दिखाई देता है, ड्यूरा मैटर. बीच में आपको दिखाई देता है एरेक्नॉइड और अंदर की साइड में आपको दिखाई देता है पाय मैटर. मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन जो ब्रेन का है, ब्रेन में जो मैनेजर्स का है, एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन आपको स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलता है. ठीक है, पर स्पाइनल कॉर्ड में क्या प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड में आप देखेंगे कि देखो ये स्पाइनल कॉर्ड का एक क्रॉस सेक्शन है, दीज आर द टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. तो ये आपके सामने जो है एक ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है. मतलब हमने क्या किया है, हमने इस स्पाइनल कॉर्ड को यहां से कट कर दिया. ठीक है, जैसे रेडिश आती है ना, मूली आती मार्केट में, मूड़ा या मूली क्या बोलते हैं आप, उसको कट करके यदि उसके अंदर के क्रॉस सेक्शन देखे तो कैसे दिखाई देगा. बस इसी तरह से हमने स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे कट कर दिया और कट करके उसको ऑब्जर्व किया कि किस तरह का दिखाई देता है वो. तो आप देखिए
आपको इसमें एक बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये दिख रहा है ना बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर। तो ये बटरफ्लाई जैसा जो स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड में, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ग्रे मैटर से, और बाहर की साइड में आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है दीज आर द व्हाइट मैटर। ये क्या है? व्हाइट मैटर है। और अंदर ये क्या दिख रहा है आपको? ग्रे मैटर दिख रहा है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में तो आप जानते हैं, हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये जो है तकरीबन इसका जो डायमीटर होता है स्पाइनल कॉर्ड का वो अप्रोक्सीमेट 2 सेंटीमीटर समथिंग होता है इसका डायमीटर। और हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड की जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है नीचे की साइड में, वो कितनी होती है? वो अप्रोक्सीमेट 40 से लेकर 45 के बीच में होती है। कुछ कुछ बुक्स में 42 to 45 मेंशन किया हुआ है, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ पर्सन। ठीक है, तो अब उसको कट करके देखा तो ये हमको स्ट्रक्चर दिखाई दिया। इसके बाहर क्या है? 3 मेनिंजेस हैं। कौन कौन सी? सबसे आउटर साइड का ड्यूरा मैटर, बीच का एरेक्नॉइड, अंदर का पाई मैटर। अब अंदर का मटेरियल, बाहर की साइड में क्या? व्हाइट मैटर। अंदर की साइड में बटरफ्लाई शेप में आपको क्या दिख रहा है? आपको बटरफ्लाई शेप में जो दिख रहा है वो कौन सा है? वो ग्रे मैटर है। वो कैसा है? ग्रे मैटर। ठीक है, अब हमारा ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो डॉर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से थोड़ा सा फ्लैट होता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। डॉर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से आपको थोड़ा सा फ्लैट दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें आपको डॉर्सल साइड में और वेंट्रल साइड में आपको ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। अब इन ग्रुप्स को क्या बोलेंगे? इन ग्रुप को हम जो है फिशर के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे इनको? हम फिशर के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर आपको देखो, यहां पर देखो, ये हो गया इसका डॉर्सल साइड। ये कौन सा साइड हो गया इसका? डॉर्सल। मैं ऐसा लिख देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कि ये वाला जो पोर्शन है ये इसका डॉर्सल साइड है, ये वाला इसका वेंट्रल साइड है। स्पाइनल कॉर्ड का वेंट्रल साइड, ये वाला हमारा लेटरल साइड। मैंने एल कर दिया है तो एल का मतलब क्या हो गया? एल का मतलब हो गया कि लेटरल। ये डॉर्सल, ये इसको पोस्टीरियर बोल सकते हैं, ये वेंट्रल, इसे हम एंटीरियर बोल सकते हैं, और इधर आप देखेंगे इधर कौन सा हो गया? लेटरल। अब अभी भी समझ में नहीं आया कैसा क्या, समझो इसको। देखिए सपोज दैट ये मेरा स्कल या फोरमन मैग्नम, और फोरमन मैग्नम से क्या आया है? फोरमन मैग्नम से हमारा वर्टिकल कॉलम अटैच है। ठीक, अब मेरी बॉडी का ये वाला पोर्शन हो गया कौन सा? एंटीरियर। पीछे वाला पोर्शन कौन सा हो गया? पोस्टीरियर। सॉरी, हमारा आगे वाला जो पोर्शन हो गया, दिस पोर्शन इज नोन एज, इस पोर्शन को हम बोलेंगे कौन सा पोर्शन? ये हमारा वेंट्रल पोर्शन, और इधर वाला हमारा कौन सा हो गया? ये डॉर्सल पोर्शन। इधर ये डॉर्सल और ये वाला पोर्शन वेंट्रल। ठीक है, तो इसे स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का देखिए, यहां पे स्पाइनल कॉर्ड है तो इधर वाला पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा एंटीरियर पोर्शन। ये हमारा ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा वेंट्रल पोर्शन, और इधर वाला हो जाएगा कौन सा? डॉर्सल। इधर की साइड में जो स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन है ये कौन सा हो जाएगा? डॉर्सल। इट बिकम क्लियर? ठीक है, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड ऐसा है, इसे एब्सोल्युटली राउंडेड नहीं होता है, थोड़ा सा इधर से और इधर दोनों साइड से थोड़ा सा दबा हुआ रहता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब डॉर्सल साइड में आपको यहां पर एक फिशर दिखाई देगा, और वेंट्रल साइड में भी आपको यहां पर एक फिशर दिखाई देगा। ठीक है, या ग्रुप्स दिखाई देंगे। ठीक है, एक दरार देखने को मिलेगी। अब इसको क्या नाम दें? सिंपल, बायोलॉजी में तो नाम याद रखने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। अब इधर जो है दरार दिख रही है ना आपको, ग्रुप्स दिख रही है ना, ये कौन सा पोर्शन है? डॉर्सल लाइन। तो नाम क्या देंगे इसका? डॉर्सल फिशर या डॉर्सल मीडियन फिशर। डॉर्सल मीडियन फिशर, इसे हम क्या बोलेंगे? डॉर्सल मीडियन फिशर। ऐसे देखो यहां से भी तो एक दरार दिख रही ना,
एक ग्रुप्स यहां से भी दिखाई दे रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे वेंट्रल फिशर। वेंट्रल मीडियन फिशर, इसे वेंट्रल मीडियन फिशर भी बोल सकते हैं, या इसे हम वेंट्रल फिशर के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। इसे हम डोर्सल भी बोल सकते हैं और इसे हम पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं। तो इसे हम डोर्सल भी बोल सकते हैं या इसे हम पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं। उसी तरह से वेंट्रल वाले को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम एंटीरियर के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर आपको ग्रेविटर कैसा है, देखो अलग अलग बुक राइटर ने अलग अलग लिखा है। कुछ लोगों को ये बटरफ्लाई दिखता है ग्रेविटर, और कुछ लोगों को ये आपको कैसा दिखाई देता है, एच शेप स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में दिखाई देता है। तो आप देखेंगे कि ये जो ग्रेविटर है तो स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर आउटसाइड में, व्हाइट मैटर आउटसाइड में, और यहां पे जो ग्रे मैटर है वो कैसा है, वो आपको बटरफ्लाई शेप में दिख रहा है या फिर एच शेप आपको सेंट्रल दिख रहा है, मतलब इनर साइड में दिख रहा है। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर आउटसाइड में है और बीच में बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के फॉर्म में या एच शेप स्ट्रक्चर के फॉर्म में कौन सा मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है। और इसके बीच में एक कैनाल होती है, इस कैनाल को हम सेंट्रल कैनाल के नाम से जानते हैं या इसे हम न्यूरोसिल बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये बीच में आपको एक कैनाल दिख रही है यहां पर, ठीक है, ये बीच में कैनाल दिख रही है। तो बटरफ्लाई के बीच में जो कैनाल दिख रही है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, ये बटरफ्लाई बीच में ग्रे मैटर वाली, इसके बीच में एक आपको क्या दिख रही है, कैनाल, इसे हम बोलेंगे सेंट्रल कैनाल। कुछ ज्यादा पढ़ने वाले जूलॉजिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो इसका नाम भी कुछ अटपटा रखते हैं, बड़ा अजीब सा नाम रखते हैं, न्यूरोसिल। तो इसका अल्टरनेट नेम क्या हो गया, न्यूरोसिल हो गया। अब देखो ये बीच में जो ग्रे मैटर दिख रहा है, इसमें से जो भी कॉर्नर्स निकले हुए हैं, जैसे ये देखो आइडेंटिफाई करो ये कौन सा एनिमल है, अब आप देखेंगे। अब जैसे मैंने गाय का मुंह बनाया है, थोड़ा सा डायग्राम आता है, तो ये क्या है, इसके सिंग, हिंदी में इसको सिंग बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, हॉर्न, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, हॉर्न। अब बायोलॉजिस्ट लोगों को ये ऐसे ही कुछ दिखता है, तो इसमें से जो भी प्रोजेक्शन निकले हुए हैं इनको हम हॉर्न के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं इसको, हम हॉर्न के नाम से जानेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये देखो इधर ये डोर्सल पोर्शन, और डोर्सल पोर्शन में से हॉर्न जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, तो इनका नाम क्या देंगे, इनका नाम देंगे हम डोर्सल हॉर्न। डोर्सल हॉर्न होते हैं दो, कौन कौन सा, एक तो इधर वाला डोर्सल हॉर्न और दूसरा ये वाला भी डोर्सल हॉर्न है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स,
ये हो गए हमारे डॉर्सल हॉर्न, कितने? दो। और उसी तरह से नीचे की साइड में देखो, इधर भी तो ये हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है ना। अब इधर ये हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे? अरे ऊपर वाले को डॉर्सल हॉर्न बोला था तो नीचे वाले क्या बोलना है? नीचे वाले को हम बोलेंगे वेंट्रल हॉर्न। अब देखो डॉर्सल को हमने पोस्टीरियर भी बोला था, इसे हम पोस्टीरियर हॉर्न भी बोल सकते हैं, और नीचे वाले को हम एंटीरियर हॉर्न भी बोल सकते हैं। इट बिकम क्लियर? तो ये तो समझ में आ गया। अब देखो थोड़े थोड़े ये भी कॉनिकल प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े यहां पे भी देखो ये नुकीले पोर्शन दिख रहे हैं ना, ये ऐसे ये कौन सा पोर्शन है? लेटरल पोर्शन है ना। तो इसे हम यहां पर जो हॉर्न होगा इसे हम कौन सा हॉर्न बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे लेटरल हॉर्न। ये कौन सा हॉर्न हो गया? लेटरल हॉर्न। तो आप देखिए स्पाइनल कॉर्ड के हिस्टोलॉजी में आपको दो डॉर्सल हॉर्न, दो लेटरल हॉर्न और दो आपको वेंट्रल हॉर्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं आप थोड़ा इसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलता हूं। ठीक है, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में स्टूडेंट्स, द ग्रे मैटर हैज द टू डॉर्सल हॉर्न, टू वेंट्रल हॉर्न एंड टू डॉर्सल हॉर्न, टू वेंट्रल हॉर्न एंड टू लेटरल हॉर्न। इट बिकम क्लियर? तो इसमें क्या होते हैं? दो डॉर्सल हॉर्न होते हैं, दो वेंट्रल हॉर्न होते हैं और दो लेटरल हॉर्न होते हैं। अच्छा, इसके बीच में क्या है? कैविटी, एच ऑर्गन के बीच में कैविटी। उस कैविटी का नाम हमने क्या दिया था? उसका नाम दिया था हमने सेंट्रल कैनाल और न्यूरोसिल। ठीक है, अब जितनी भी कैविटी होती है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, तो ब्रेन के अंदर और ब्रेन के बाहर जहां भी कैविटी होगी आपको एक ही मटेरियल देखने को मिलेगा, वो है CSF। क्या देखने को मिलेगा आपको? CSF देखने को मिलेगा। अब ब्रेन की बात करते हैं ना, तो ब्रेन में जरा देखिए स्टूडेंट्स, हमने ब्रेन में देखा था कि ब्रेन में भी कैविटी थी, उन कैविटी में भी आपको क्या देखने को मिला? CSF देखने को मिला। याद करो कहां कैविटी थी। देखो ब्रेन की बात करें ना स्टूडेंट्स, तो ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में जरा देखिए, हमने ऐसा देखा था, ये हमारा सपोर्ट है सेरिब्रम हेमिस्फीयर और नीचे देखिए एक्चुअली ब्रेन में होता क्या है स्टूडेंट्स, ब्रेन का ये सेरिब्रम हेमिस्फीयर सपोर्टेड ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इधर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने देखा था कि भाई यहां पर भी तो कैविटी थी, इनमें यहां पर जो कैविटी थी इनको हमने क्या बोला था? इसको हमने बोला था लेटरल, सॉरी यहां पर जो कैविटी थी राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, तो ब्रेन की कैविटी को हमने क्या बोला था? वेंट्रिकल। तो यहां पर लेटरल वेंट्रिकल थी, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में दो लेटरल वेंट्रिकल। ये हो गया ना डायग्राम के पोर्शन। ठीक है, तो हमने ब्रेन के डायग्राम में हमने वेंट्रिकल्स देखे थे,
वहां पर हमने जो वेंट्रिकल्स देखे थे, वहां पे हमने क्या देखा था कि सेरिब्रम में आपको वेंट्रिकल्स जो देखने को मिले थे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, वो कौन से वेंट्रिकल्स थे? लेटरल वेंट्रिकल्स। उसके बाद डायनसिफेलोन में जो वेंट्रिकल था उसका नाम था डायोसील या फिर थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद हमारे मेडुला ऑब्लांगाटा में फोर्थ वेंट्रिकल था। वो फोर्थ वेंट्रिकल कंटिन्यू किधर आ जाता है? न्यूरल कैनाल में आ जाता है वो, ठीक है, सॉरी सेंट्रल कैनाल में आ जाता है। तो इस सेंट्रल कैनाल की लाइनिंग भी हमारे वेंट्रिकल की तरह होती है, मतलब कि इसकी जो लाइनिंग कौन बनाएगा? सीलिएटेड ईपेनडाइमल सेल। किसकी लाइनिंग बनाएंगे? सेंट्रल कैनाल की लाइनिंग बनाएंगे। तो सीलिएटेड ईपेनडाइमल सेल्स इसकी लाइनिंग बनाते हैं। किसकी लाइनिंग बनाते हैं? ये बीच में जो आपको कैविटी दिख रही है ना, जिसको हमने सेंट्रल कैनाल बोला है, उसकी लाइनिंग बनाते हैं। और इसके अंदर भरा हुआ क्या है? इस कैविटी के अंदर क्या भरा हुआ रहता है? इस कैविटी के अंदर भरा हुआ रहता है सीएसएफ। इस कैविटी में क्या भरा हुआ रहेगा स्टूडेंट्स? सीएसएफ भरा हुआ रहेगा इसके अंदर। ओके, इट बिकम क्लियर? ये तो समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए, ये तो पूरा भरा हुआ है, ठीक। अब देखो हमारा जो आप देखेंगे, इधर देखो हमारा जो व्हाइट मैटर है, ये व्हाइट मैटर भी जो है ये इसमें है क्या? व्हाइट मैटर में क्या है? व्हाइट मैटर में माइलिनेटेड नर्व फाइबर है। और नर्व फाइबर का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। तो आप देखेंगे कि यहां पर देखो, ये तो हमारा डॉर्सल हॉर्न हो गया। दो डॉर्सल हॉर्न के बीच में जो व्हाइट मैटर होता है, इस व्हाइट मैटर को हम बोलते हैं डॉर्सल फ्यूनिकुलस। क्या बोलते हैं इसको हम? यहां पर जो भी व्हाइट मैटर है, इस व्हाइट मैटर को हम बोलेंगे डॉर्सल फ्यूनिकुलस। उसी तरह से इधर देखो, इधर जो हमारा व्हाइट मैटर है, दो वेंट्रल हॉर्न के बीच में जो भी व्हाइट मैटर होता है, तो इस व्हाइट मैटर को हम बोलते हैं वेंट्रल फ्यूनिकुलस। क्या बोलेंगे इसे हम? वेंट्रल फ्यूनिकुलस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो, ये डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न के बीच का जो मैटर है, व्हाइट मैटर है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं लेटरल फ्यूनिकुलस। इसको हम बोलेंगे लेटरल फ्यूनिकुलस। इसे हम लेटरल फ्यूनिकुलस के नाम से जानते हैं। अब देखो, व्हाइट मैटर, देखो ये ग्रे मैटर तो छोटा मोटा प्रोसेसिंग का काम करता है, थोड़ा बहुत स्पाइनल कॉर्ड यदि प्रोसेसिंग का काम करेगा तो काम किसके थ्रू करेगा? इस ग्रे मैटर के थ्रू करेगा। और ये व्हाइट मैटर क्या काम कर रहा है? ये व्हाइट मैटर एक्चुअली हाईवे है। ब्रेन की तरफ जो इंफॉर्मेशन जा रही है, ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, तो लाने और ले जाने का जो काम है वो कौन करता है? व्हाइट मैटर करता है। तो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड का व्हाइट मैटर है, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड का जो व्हाइट मैटर होता है ना, ये व्हाइट मैटर देखो, हम देखेंगे कि ये व्हाइट मैटर जो होता है ये किससे बना होता है। इसमें जो है आपको नर्व ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं आपको? तो जो व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, ये बना किससे होता है? इसमें होते हैं न्यूरल ट्रैक्ट होते हैं। और ये ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये ट्रैक्ट? ये ट्रैक्ट होते हैं हमारे, एक तो होते हैं असेंडिंग और दूसरे होते हैं डिसेंडिंग। तो ये ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं?
हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो ट्रैक्ट है वो कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग क्या करेंगे? असेंडिंग जो होंगे ये ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं। फिर जो ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? असेंडिंग ट्रैक। और असेंडिंग ट्रैक कहां देखने को मिलते हैं? ये हमको देखने को मिलते हैं डॉर्सल फ्यूनिकुलस में। ये वाला जो पोर्शन है ये सेंसरी न्यूरॉन से बना है और ये वाला पोर्शन ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कहां होता है? दिस प्रेजेंट इन डॉर्सल फ्यूनिकुलस में। अब डिसेंडिंग का काम होता है, डिसेंडिंग जो होते हैं ये क्या करते हैं? डिसेंडिंग ट्रैक्ट जो होता है वो ब्रेन से इफ्रंट ऑर्गन की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाता है। और ये किससे बना होता है? ये बना होता है, ये कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होगा यहां पर। ये वाला कौन सा फ्यूनिकुलस है? लेटरल फ्यूनिकुलस। ये वाला वेंट्रल फ्यूनिकुलस। तो यहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, कौन सा आपको देखने को मिलेगा? डिसेंडिंग ट्रैक्ट। तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट प्रेजेंट होगा वेंट्रल एंड लेटरल फ्यूनिकुलस में। ये कहां प्रेजेंट होगा? वेंट्रल और लेटरल फ्यूनिकुलस में आपको ये पोर्शन देखने को मिलेगा। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या फंक्शन करता है? तो स्टूडेंट्स, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो इंफॉर्मेशन के लिए एक तरह का हाईवे का काम करता है। तो हमारी बॉडी का जो मेन प्रोसेसिंग सेंटर कौन सा है? ब्रेन। अब ब्रेन की तरफ जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो इंफॉर्मेशन किसके थ्रू आ रही है? मेनली स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आ रही है। और ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन बॉडी के डिफरेंट पार्ट को जा रही है वो किससे जा रही है? स्पाइनल कॉर्ड से जा रही है। तो जैसे आपने देखा है कोई बहुत बड़ा हाईवे, तो छोटे छोटे आसपास के जो रोड होते हैं वो जाके उससे मिलते जाते हैं और हाईवे किसी बड़ी सिटी को जाता है। उसी तरह से ये स्पाइनल कॉर्ड से ढेर सारी नर्व आके अटैच होती जाती है बॉडी की और ये हाईवे हमारा सीधा कहां जाता है? ब्रेन को जाता है। इट बिकम क्लियर। तो स्पाइनल कॉर्ड का पहला फंक्शन है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन जो होती हैं उन्हें कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, ब्रेन से इंफॉर्मेशन को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की तरफ ट्रांसफर करना। तो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अलोंग विद दिस वर्क। इसके साथ हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इट्स प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिफ्लेक्स एक्टिविटी। तो हमारी बॉडी के कई ढेर सारे रिफ्लेक्स के लिए यह खुद ही जो है ऑर्डर देने का काम कर देता है। अब सपोज डेट मान लीजिए कुछ अनकंडीशनल रिफ्लेक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए सपोर्टेड रिफ्लेक्स मतलब कि ऐसी एक्टिविटी जो सडनली होती है जिनमें आपका कोई कंट्रोल ही नहीं होता, इनवॉलेंटरी टाइप की होती है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे हाथ लगाया तो इमीडिएट हाथ हट जाता है वहां से। तो इसके लिए ब्रेन को सोचना पड़ता है कि मैंने हाथ लगाया तो अब मैं हटाऊ नहीं हटाऊ, जल जाएगा हाथ में हटा लेता हूं, ऐसा सोचना पड़ता है क्या? नहीं, आपने जैसे इमीडिएट आपने हाथ लगाया हाथ वहां से हट गया। तो इसके लिए ऑर्डर ब्रेन ही नहीं देता, ये इंफॉर्मेशन जो है यहां से जैसे गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में गई और स्पाइनल कॉर्ड से तुरंत इंफॉर्मेशन जो है ईफ्रंट ऑर्गन में चली गई कि और हाथ को रिमूव कर लिया जाए। तो ये जो होती है ये होते हैं कुछ हमारे रिफ्लेक्स एक्टिविटी। तो इस तरह की जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है ना उनके लिए कमांड कौन दे देता है? डायरेक्ट हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही दे देता है। ठीक है, इट बिकम क्लियर। स्पाइनल कॉर्ड हमारे बोर्ड के सिलेबस में मेंशन है, नीट के सिलेबस में हमारी एनसीईआरटी में ये दिया नहीं है, पर नीट की पुरानी एग्जामिनेशन में इस पे से क्वेश्चन आए हैं इसलिए इसे डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी था। तो आपको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो बोर्ड के लिए भी है
और नीट के एग्जामिनेशन में दो एक क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन इसमें से आ गया तो वो आपका चूकना नहीं चाहिए, वो आपसे बनना चाहिए। इसलिए इसको भी समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इट बिकम क्लियर, समझ में आ गया? तो आपको ये स्पाइनल कॉर्ड की हिस्टोलॉजी समझ में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसमें आपको मैं एक चीज और बताना जरूरी समझता हूं, ये तो क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब मेरे को बताओ इसको हमने क्या बोला था, डॉर्सल रूट, सॉरी डॉर्सल हॉर्न, इसको हमने क्या बोला था, वेंट्रल हॉर्न। ये वाले कौन से हॉर्न थे, लेटरल हॉर्न थे, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड में से क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पाइनल नर्व निकलती है, और स्पाइनल नर्व जो निकलती है ना, तो स्पाइनल नर्व जैसे ही देखो सपोर्टेड, ये कोई स्पाइनल नर्व आ रही है, सपोर्टेड ही हमारी क्या है, कोई स्पाइनल नर्व है। ये हमारी क्या है स्टूडेंट्स, स्पाइनल नर्व। तो जब भी स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचेगी, स्पाइनल नर्व किसको बोलते हैं, एनी नर्व दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज द स्पाइनल नर्व। तो जब भी स्पाइनल नर्व कहां पहुंचेगी, हमारे इस स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचेगी, तो देखिए स्टूडेंट क्या होता है, होता यह है कि जैसे ये स्पाइनल नर्व है, तो जितनी भी बॉडी में स्पाइनल नर्व होती हैं, वो सब मिक्स टाइप की होती हैं। वो देखिए उसके जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो जा रही है, तो अभी देखो ये यहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, मतलब ये कौन सा फाइबर हो गया, सेंसरी फाइबर। तो सेंसरी फाइबर कहां से अटैच है, तो जब भी स्पाइनल नर्व हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचती है तो उसमें दो रूट हो जाती है। एक रूट किससे अटैच होगा, डॉर्सल हॉर्न से कनेक्टेड होगा, उसे हम डॉर्सल रूट बोलेंगे। दूसरा रूट वेंट्रल हॉर्न से कनेक्टेड होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे वेंट्रल रूट। ये क्या हो गया, ये हो गया डॉर्सल रूट, और ये वाला रूट हो गया कौन सा, वेंट्रल रूट। और यहां पर जो सेंसरी नर्व जब अटैच होता है स्पाइनल कॉर्ड से, तो वहां पे आपको एक स्पेशल टाइप का गैंग्लिया देखने को मिलता है, आपको वहां पर एक गैंग्लिया देखने को मिलेगा। अभी डॉर्सल रूट के पास में गैंग्लिया है ना, तो इसे हम बोलेंगे डॉर्सल रूट गैंग्लिया। तो ये गैंग्लिया जो दिख रहा है आपको, ये जो गैंग्लिया दिख रहा है, इस गैंग्लिया को हम क्या बोलेंगे, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। तो इस तरह से ये आपके क्या बन गए, स्पाइनल नर्व बन गए। क्या बन गए आपकी, ये स्पाइनल नर्व बन गई। तो स्पाइनल नर्व जब भी स्पाइनल कॉर्ड के पास आपके अटैच होती है, तो उसमें दो रूट निकलती है, एक डॉर्सल हॉर्न से कनेक्ट होगी, एक वेंट्रल हॉर्न से कनेक्ट होगी। डॉर्सल हॉर्न से जो रूट कनेक्ट हो रही है उसे डॉर्सल रूट, और वेंट्रल हॉर्न से जो रूट कनेक्ट हो रही है उसे हम वेंट्रल रूट बोलते हैं। और डॉर्सल रूट के पास एक गैंग्लिया होता है, इसे हम डॉर्सल रूट गैंग्लिया बोलते हैं। तो गैंग्लिया एक्चुअली है क्या, यह एक तरह का साइटोन है। क्या एक तरह का साइटोन जो यहां पर अटैच है, ठीक है, क्लियर। तो इसके साथ स्पाइनल कॉर्ड का हिस्टोलॉजी फिनिश। आई थिंक आपको इस समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्पाइनल कॉर्ड को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।